हेलो दोस्तों, ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई होंडा सीबी शाइन की ईएमआई कैलकुलेशन करके बताओ, तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ होंडा सीबी शाइन ईएमआई कैलकुलेशन। पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कॉमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, आगे जो भी वीडियो आता रहेगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये होंडा सीबी शाइन ड्रम सेल्फ एंड एलोए वाला वर्जन मैंने आपके सामने ले लिया, ठीक है। तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है 58,097 रुपये। दोस्तों, इसका एक शोरूम प्राइस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका ऑन रोड प्राइस है 66,666 रुपये। इसका ऑन रोड प्राइस है, आप इसको 66,666 रुपये पे करके आप इस गाड़ी को घर लेके जा सकते हो। दोस्तों, अगर आप 36 मंथ के लिए लोन लेना चाहते हो, मतलब फाइनेंस कराना चाहते हो, तो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखिए डाउन पेमेंट, तो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 19,003 रुपये आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और आपको जो लोन लेना पड़ेगा, मतलब लोन अमाउंट होगा 52,287 रुपये आपका लोन अमाउंट होगा। और आपको 36 मंथ यानी 3 साल तक आपको 1,674 रुपये यानी 1,674 रुपये आपको मंथली पे करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं 52,287 रुपये लोन लूँ तो टोटल गाड़ी का कॉस्ट कितना आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए 66,666 रुपया, अभी देखिएगा टोटल गाड़ी का कॉस्ट। तो दोस्तों, आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 79,230 रुपीज़ यानी 79,230 रुपये आपको मंथली ईएमआई पे करना, सॉरी आपको डाउन पेमेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ऊपर में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। दोस्तों, ये जो था मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है 10% इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर आपके वहाँ पर कोई त्यौहार चल रहा है तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है अगर कोई त्यौहार नहीं चल रहा हो। अगर बैंक वालों का ऑफर है फिर भी आपको कम में मिल सकता है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो 1 साल की ईएमआई फाइनेंस कराना चाहता है। देखिए, मैंने यहाँ पे 12 मंथ का टिक लगा दिया है, तो 12 मंथ के लिए अगर आप फाइनेंस कराते हो तो इस गाड़ी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 76,596 रुपया, आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 21,888 रुपया, और आपको मंथली ईएमआई काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा 4,559 रुपया। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा भी होता है जो 18 महीने के लिए फाइनेंस कराना चाहता है। जो लोग 18 महीने के लिए फाइनेंस कराना चाहता है उन लोगों के लिए गाड़ी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 76,495 रुपया, डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 20,443 रुपया, मंथली ईएमआई पे करना पड़ेगा 3,114 रुपया। अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो यानी 24 मंथ तक, तो आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 77,154 रुपया, आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 19,722 रुपया, और आपको मंथली ईएमआई पे करना पड़ेगा 2,393 रुपया। अगर आप 4 साल के लिए लेना चाहते हो, देखिए मैंने यहाँ पे पहले आपको 36 मंथ का बता दिया, अगर आप 4 साल का लेना चाहते हो यानी 48 मंथ अगर आप लेते हो, तो आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा 81,764 रुपये आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आपको डाउन पेमेंट भी कम करना पड़ेगा यहाँ पे 18,644 रुपया, और आपको मंथली ईएमआई तो काफ़ी कम करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए 1,315 रुपये यानी 1,315 रुपया आपको मंथली ईएमआई पे करके आप इस गाड़ी को ले सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बेझिझक जवाब दूंगा। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हो जहां पर आपको इसका ऑन रोड प्राइस या कुछ डिटेल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आप जान नहीं पा रहे हो, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।